बांदा पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। नरेश उत्तम ने साथ ही 31 दिसंबर को हुई युवक की हत्या मामले में पीड़ित परिवार के घर जाकर 2 लाख की पार्टी की ओर से मदद की। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लूट, अपहरण लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अपराधों को रोकने का दावा करती थी, उनका दावा एकदम फेल हो गया। नहीं मिल रहा, बस की लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। आलू की बर्बादी को देखकर किसान तमाम आत्महत्या कर गए, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आपको बता दें कि पुरवा गांव के रहने वाले अभिसार नाम के युवक की 31 दिसंबर को हत्या हो गई थी, जिसका आरोप नरेनी के एसडीएम पर लगा था और इस मामले में एसडीएम पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।